नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने गुना वैश्य समाज से संपर्क कर समर्थन मांगा। गोयल का एक दिवसीय गुना प्रवास रहा। इस दौरान उन्होंने वैश्य समाज व्यापार एवं उद्योग महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के निवास पर पहुंच वैश्य बंधुओं के साथ बैठक ली। बैठक में वैश्य समाज एवं व्यापारिक संगठनों के प्रमुख एवं नगर के गणमान्य जैन उपस्थित रहे। बैठक में श्री गोयल ने सभी वैश्य समाजजनों एवं व्यापारी बंधुओं से भाजपा प्रत्याशी सिंधिया को गुना से ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर सिंधिया द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही सभी गणमान्य जनों से सिंधिया के पक्ष में शत प्रतिशत वोट करने का आग्रह किया एवं किसी भी प्रकार की समस्या हेतु स्वयं के उपलब्ध होने की बात कही। कार्यक्रम में वैश्य महासम्मेलन और व्यापार एवं उद्योग महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित वैश्य बंधुओं ने गोयल का पुष्प आहार पहनाकर स्वागत कर दिया। इस अवसर पर अनिल जैन, कुलदीप गोयल, डीएन निखरा, वीरेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, पवन जैन, प्रवीण सोमानी, नरेंद्र माहेश्वरी, सीताराम नाटानी, रामनारायण गुप्ता, संजय विजयवर्गीय, राजीव टोंगिया, मदन सोनी महासंघ पदाधिकारियों में प्रद्युमन जैन, दिलीप अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, अनिल गर्ग आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सौरभ जैन, मीडिया प्रभारी, वैश्य महासम्मेलन, जिला गुना। खबर समय जगत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.